एक्चुअली गधा मजदूरी नहीं की हमने फिल्मों में. यूजली होता है ना कि कितना 36-36 घंटे काम कर रहे हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, बट 8 घंटे इंसानों की तरह काम किया हमने और फिल्म भी बन गई. इट्स रियली ह्यूज क्रेडिट टू यू. हम लोग अपने आप को बहुत एडमायर करते हैं एक दूसरे को, तो आप टू एक दूसरे के हम लोग फैन भी हैं. हाँ, थोड़े से बिहारी कनेक्शन भी है. व्हाट टू डू के बाद सबसे पहले तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर कमिंग हियर. इट्स अ ह्यूज सपोर्ट एंड मीडिया के सभी बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. 12 साल हो या 120 साल हो, ये पुलिस और समाज का जो संबंध है, ये शाश्वत संबंध है. नेवर एंडिंग रिलेशनशिप. It will continue to be explored because ये हमारे अंदर ही है. हम खुद अच्छाइयां बनाते हैं, बुराइयां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, नियम की का पालन भी करते हैं और नियम को तोड़ते भी हैं. तो पुलिस एक आईना है, हमारे अंदर के हलचल का आईना है, जो हमें दिखाता रहता है कि आप सही चल रहे हैं या आप गलत चल रहे हैं. तो ये मनुष्य की प्रकृति का स्वभाव है और ये हमेशा चलेगा और हर जगह चलेगा, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे हमारे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे मुंबई में हो, कहीं भी हो, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ मिल करके समाज के नियमों को का पालन करते हुए, मानवता के नियमों का पालन करते हुए कैसे चलना है, इसका मापदंड जो है उसकी मानसिकता को ही हम पुलिस कहते हैं. खाकी वर्दी पहना देने से या उसके हाथ में कुछ शस्त्र दे देने से या उनको किन्हीं कानून से लैश कर देने से कुछ नहीं होता. फॉर मी विद आभा माथुर वाज द ब्यूटी ऑफ द फैक्ट दैट जस्ट व्हेन यू प्लेइंग अ टफ कैरेक्टर, व्हेन यू आर अ पुलिस वुमन ड्रेस्ड लाइक दैट एंड प्लेइंग अ टफ कैरेक्टर, हाउ टू स्टिल बी फेमिनिन was very important to me, and that is something Prakash ji and I discussed, that as a woman it's very important to celebrate womanhood and yet at the same time be in a position of authority, and that is what Abha is, which is very different to mostly how we see tough women. You know, when you see when you're seeing action sequences, you women somehow tend to lose their femininity, and it's beautiful that Abha is extremely feminine, very graceful, but at the same time not someone to be taken for granted, and I enjoyed playing that as a part very much. It was very very different for me, extremely honest, very classic, and very graceful and dignified under fire, which is and it's such an important film. You know, Abhishek, nobody talks about the relevance of what this film speaks about, farmer suicides, about the corruption within society and the politics with which we all live. I mean, and everybody always talks about it, we tweet about it a little bit, but it's never really been given the importance that sir has given in this film to actually explain to people what goes on, and that's why to me it's a very very relevant film and very important.